ये हमने पनीर जो है घर ही निकाला है, ये पड़े हुए सारे पनीर। न्यूजीलैंड में जो है पनीर जो है वो बढ़िया क्वालिटी का नहीं मिलता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पनीर जो है वो सारा का सारा घर में निकालते हैं और उसके हिसाब से हम लोग कुकिंग करते हैं। यहाँ पे हमारा भाई कर रहा है मैरिनेशन का सामान निकाल रहा है, जो कि मटन में लगाने हैं इन्होंने। सारे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। आई होप एंड विश कि जो भी पार्टी हमने ऑर्गेनाइज़ करी है वो बढ़िया हो पाए। एक नए दिन के साथ आपको मैं क्या दिखाना चाहता हूँ न्यूजीलैंड में, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी हम लोग शाम को 5 बजे का टाइम हो गया है, शाम को 5 बजे हम लोग ऑर्चर्ड्स में जाते हैं क्या करने के लिए, गोश्त बाय करने के लिए। तो आज हम लोग कौन सा गोश्त बाय करने जा रहे हैं, हम लोग बाय करने जा रहे हैं मटन। और हम लोग क्या लेके जा रहे हैं मैं आपको बताऊँ, SUV। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आज क्या बाय करना है, 2-4 किलो चिकन नहीं, दूध नहीं, आज हम लोगों ने बाय करना है गोट। गोट क्या बाय करना है, गोट मतलब कि बकरा, और बकरा हमने पूरे 2 बकरे बाय करने हैं, और ताजे ऑर्चर से कटवा के, जो ऑर्चर गोट की फार्मिंग करते हैं और गोट मिल्क की फार्मिंग करते हैं उन ऑर्चर में हम लोग जा रहे हैं। ये देखो हमारा टाउन। सो हम लोग उस ऑर्चर के गोट फार्मिंग के, गोट मिल्क फार्मिंग के ऑर्चर में जा रहे हैं, जो हमारे को देगा अपने पूरे के पूरे बकरे और बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड में बहुत ही ज़्यादा, एक तो आम है, बाहर के देशों में अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो बाहर के देशों में भाई मांस और किसी भी तरह का नॉन वेज बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, कॉमन फूड हम कहेंगे। सो ये देखो जी मेरा भाई आया पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि आज हमने खुद अपने हाथों से काटना है। और मम्मी डिग्गी में रखवा दो ये, चलो रख लेगा, वो रख लेगा, बैठे रहो, चढ़ा दो चढ़ा दो, सॉरी। ये देखो जी पूरी तैयारी के साथ आया उस्ताद, शिकार में जा रहे हैं शिकार करने। ये लेके आया मैं नाइफ, ठीक है इसे जाएंगे। बहुत बढ़िया, हमारा नाइफ और नाइफ शार्पनर। हाँ, और ये पूरा सेट हम लेके आए हैं कि हम लोगों ने इसके ऊपर 2 बकरे चढ़ा देने हैं, पनिया वनिया लगा के, ताकि अभी बिछा मत अभी। लो जी बिछा के हम निकलते हैं आगे की तरफ। ये देखो जी ये हम लोग आ गए हैं गोट फार्मिंग के लिए एरिया में, अब आपको दिखाते हैं अंदर कितनी गोट पड़ी हुई है। एक एक करके सब कटोगे तुम, बोलो मैं कौन कटेगा आज, कौन कटेगा, मैं कौन कटेगा, मैं आज कौन कटेगा, मैं सब कटोगे बारी बारी करके, टेंशन ना लो, आ जाओ जिसको पहले कटना, आ जाओ इसको जल्दी है भाई ये निपटना चाहता है। ये देखो भारी आने में ये वाला बाहर आ रहा है। सबसे पहले कौन कटेगा, हाथ खड़ा करो, हाथ। लो जी ये आ गए हैं बकरों के फार्मिंग में, यहाँ पे होती है मिल्क फार्मिंग, मगर आज हम लोग अपने बर्थडे के लिए लेने आए हैं बकरा, 2 बकरे ऑर्डर करे हैं हमने। कोई बात नहीं, बारी बारी सबका नंबर आएगा, पहले काला खाएंगे फिर चिट्टा खाएंगे। पैसा देख लो भाइयों, स्मेल है मगर पैसा बेहिसाब है, अगर बिजनेस माइंडसेट से देखो तो इसका दूध बहुत महंगा बिकता है।
हमारी बकरी वीडियो बनवा रही है, वीडियो पे आ गई मैं सबके सामने। हाँ जी यार, तो ये आपको दिखाया हमने गोट फार्मिंग। इधर बहुत सारी गोट हैं हमारे लिए, जो इन्होंने बकरा रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाओ मनमीत जी, आगे आ जाओ। हमने जो ऑर्डर करे हैं वो दो बकरे करे हैं, कॉस्ट बताएंगे आफ्टर उसकी हलाली के बाद, जिसको कहते हैं। पर जो हमारे लिए चूज किया गया वो ये चूज किया गया, बट हमारे को चाहिए दो, एक से हमारा कुछ होना नहीं है। तो देखते हैं कितनी देर की इसकी ज़िंदगी रह गई है। ये तो भाई देखो होना ही है, हम इंडिया में हैं, बस फ़र्क इतना है कि हम इंडिया में जो खाते हैं वो कटा कटाया हमें मिलता है, हम बना के खा लेते हैं, इधर कुछ नया एक्सपीरियंस होगा भाई। हाँ जी, व्हाट अबाउट यू, क्या कहना चाहता था? मैं कह रहा हूँ भाई ये तो इंडिया से तो भाई साइज में डबल है, इसमें तो वेट ही बहुत है। चलो देखते हैं, अभी प्रोटेक्शन में आपको दिखाऊँ, वो सामने उनका सारा प्लांट है और वहाँ उनकी मिल्क प्रोडक्शन होती है, सारी जो गोट हैं वन बाय वन आती हैं। नहीं इसमें बनानी है। तो बस ये हमारे भाई आए हैं जिन्होंने काटना है, और ये मैं आपको बताऊं, ये एक गन टाइप है, उसके अंदर इन्होंने कोई चीज़ डाली है अभी, और ऐसे इन्होंने रख के इसके सर पे मारेंगे और ये ऑन द स्पॉट डेड हो जाएगा। तो ये आपके सामने आज मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। You're obviously happy enough putting it because something will happen. So you don't ask? Huh? All right? Yeah, I'll be right. बंद कर दे भाई गेट उसका। लॉक लगा कर। लॉक लगा दे नहीं। लॉक लगाओ पहले। How are you doing, mate? I'll just go and get. गेट आगे कर। लो जी चंद घड़ियां रह गई। पता चल गया है उसको कि अब बस काम खत्म है, अभी उसको मार नहीं रहे हैं, अभी नहीं मार रहे हैं, अभी उसको कॉलर उतारा जा रहा है, उसको कॉलर उतारा जा रहा है। मक्कर साहब हाँ हाँ गन पड़ी हुई है, उसको नहीं जाना, गन पड़ी हुई है, नहीं लगाए। रुक जा मनी, रुक जा वो उधर रुक जा, मत लॉक कर। आपके भाई का है बर्थडे, आज है 2 जून और भाई गया है हमारा तैयारियों के साथ। सो ये है मेरा न्यूजीलैंड का ऑफिस, आज मैं आपको विजिट कराऊं। इस टेबल पे बैठ के, इस ऑफिस में बैठ के मैं पूरा का पूरा इंडिया का काम करता हूं। जिन जिन भाइयों को वीज़ों की नीड होती है वो सारे पेपर्स पड़े हुए हैं वीज़े फाइल्स के। ये है अपना बेड, जब मैं टायर्ड होता हूँ रात को पिक्चर लगा के मैं इधर सो जाता हूँ। ये अपना छोटे छोटे अरेंजमेंट्स हैं सारे, और ये मेरे कपड़ों की अलमारियाँ हैं। सो ओवरऑल आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आज 2 जून आपके भाई का है बर्थडे, कल 3 तारीख को ये वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी। हाँ जी, ओ हेलो, कहा हुआ मलेरियन। हाँ जी निकाल, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, बच्चे को रोक पहले, उसको रोक मार लो पहले। हैप्पी बर्थडे, चलो चल, चाचू का बर्थडे है, चाचू का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। बाबू हमारा रो पड़ा बहुत ज़्यादा,
तो मैं आपको ये बता रहा था, ये हमारे पास वुड, वैसे वो हमारी एक अलग अलमीरा है उसके अंदर वुड बहुत पड़ी है, बट ये हमारे पास एक्स्ट्रा वुड्स पड़ी हैं जो कि पापा कह रहे हैं मैं काट देता हूँ और शाम को जला देंगे। ये खड़ी आपके भाई की गाड़ी और ये भी गाड़ी मेरी अपनी है, ये मैंने फैमिली के लिए रखी हुई है, ये मेरी पर्सनल है। तो हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चाचू का बर्थडे है, चाचू का बर्थडे है, मेरे चाचू का बर्थडे है, मेरा बच्चा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी अंदर किस किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, प्लानिंग चल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्रिज दिखाऊँ कि हमने फ्रिज में क्या क्या भरा हुआ है। हमने फ्रिज में भरा हुआ है फुल ऑन लोडेड मटन, हम लोग लेके आए हैं 25 किलो मटन, क्योंकि हमारे बहुत सारे गेस्टों ने आना है, ये जो नॉन अल्कोहलिक हैं उनके लिए, और अल्कोहल वालों के लिए अभी सारी बॉटलें आनी है। देखते हैं कौन सी लाते हैं, बट जो मैंने चूज़ करी है अपने बर्थडे पे सबको पिलाने के लिए वो करी है डबल ब्लैक जॉनी वॉकर। तो एक एक करके इंट्रोड्यूस आपको कराऊं। प्याज कटे जा रहे हैं, ये हमारा दविंदर जम्मू से, ये उत्तराखंड से, ये हमारे भाई अदरक में प्याज ब्याज में, ये हमारी मम्मी, ये वेज मंचूरियन बनाने हैं शाम को, उनके लिए मम्मी गई है लगी हुई। ये है हमारा उत्तराखंड का शेफ जिसके भरोसे हम पार्टियां ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ये ना हो तो हम पिज्जा पुज्जा खिला के सार दें बंदे को। ये हमारा है आदित्य, कहाँ से आए? पंजाब गुरदासपुर से। ये गुरदासपुर छुपता हुआ जा रहा है, ये छुपता हुआ चला गया। ये हमारा चिप साहब है, बहुत प्यार है हमारा इनसे, ये अपना ही लगे रहते हैं बनाने में। तो देखते हैं फिर आगे क्या क्या होता है। तो जी साथ में अब क्या हो रहा है, अब कट रहे हैं पनीर, किस चीज़ के लिए? चिली पनीर के लिए, शाम को बनेंगे चिली पनीर। और दो चार आइटम है स्टार्टर्स के लिए, ये हमने पनीर जो है घर ही निकाला है, ये पड़े हुए सारे पनीर। न्यूजीलैंड में जो है पनीर जो है वो बढ़िया क्वालिटी का नहीं मिलता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पनीर जो है वो सारा का सारा घर में निकालते हैं और उसके हिसाब से हम लोग कुकिंग करते हैं। यहाँ पे हमारा भाई कर रहा है मैरिनेशन का सामान निकाल रहा है जो कि मटन में लगाने हैं इन्होंने। सारे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं जी। आई होप एंड विश कि जो भी पार्टी हमने ऑर्गेनाइज़ करी है वो बढ़िया हो पाए।